वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एस एम मेडिकल नॉलेज। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्कासोल सिरप के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे जो अल्कासोल सिरप होता है इसके क्या यूज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इस सिरप को कब लेना चाहिए दोस्तों, किन कंडीशन में या किन डिजीज में इस सिरप को लिया जाता है और क्या इसकी डोज होती है, किस डोज में इसको लेना होता है। दोस्तों इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर क्लिक करें, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जो अल्कासोल सिरप होता है इसको हम अल्कलाइजर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर या बहुत सारे पेशेंट इसको अल्कलाइजर के नाम से भी यह जाना जाता है। दोस्तों यह जो अल्कासोल सिरप है यह सिर्फ एक ब्रांड नेम होता है, यह मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड नेम से, जैसे सिट्रालका के नाम से आपको मिल सकता है, अल्कासोल के नाम से आपको मिल सकता है या अल्का रेट के नाम से आपको मार्केट में मिल सकता है। दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, यह आपको अलग अलग ब्रांड नेम से आपको मार्केट में मिल जाएंगे। दोस्तों जो सेम होता है वह दोस्तों इसका साल्ट होता है, जो इसका जूस में जो साल्ट होता है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट, इसमें साल्ट होता है। यह एक इस तरह का सिरप है जो हमारी बॉडी से हमारे अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है दोस्तों उन सभी को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा सिरप होता है जो अल्कलाइजर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कभी कभी उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उनके बढ़ने के कारण हमें पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब लग करके आना लगता है, बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। दोस्तों इस तरह की डिजीज हमें होने लगती है जब हम इस सिरप को लेते हैं, तो यह सिरप हमारे उन बढ़े हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को कम कर देता है, जिस कारण हमारी ये पेशाब की जो समस्याएं होती है यह बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो जाती है और जो इलेक्ट्रोल्स हमारे जो बॉडी के अंदर होते हैं वह भी नॉर्मल मात्रा में आ जाते हैं। दोस्तों अभी जान लेते हैं हम इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में, जो यह सिरप होता है अल्कासोल सिरप के क्या यूज होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस डिजीज में पेशेंट को इसको लेना चाहिए। दोस्तों यदि हम इसके बारे में बात करें, यदि आपके पेशाब में बहुत ज्यादा जलन है या पेशाब रुक करके आ रहा है या पेशाब में बहुत ज्यादा लग करके आने के बाद जलन है, बर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो यदि आपके साथ में है तो आप इस अल्कासोल सिरप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कभी कभी हम बोलते हैं, इस तरह की डिजीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसी के साथ साथ एक समस्या और होती है जहां हम इस सिरप का उपयोग करते हैं, दोस्तों उस समस्या का नाम है यदि पेशेंट की किडनी में स्टोन हो जाता है। दोस्तों यदि पेशेंट की किडनी में स्टोन हो जाता है तब भी उस कंडीशन में भी पेशेंट को यह सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे पेशाब में बहुत ज्यादा जलन होती है, पेशाब रुक करके आता है या पेशाब लग करके आता है, इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन टाइप एक इन्फेक्शन बन जाता है। दोस्तों वहां भी आप इस सिरप को उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके यूज और बेनिफिट्स के बारे में जो हमने आपको बताया। दोस्तों अब जान लेते हैं यदि आप इस सिरप को लेते हैं तो इसके क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों कभी कभी किसी पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे यदि आप इस सिरप को लेते हैं तो आपको नोसिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, स्टमक एक होता है हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों इस तरह की एक दो साइड इफेक्ट हैं जो बहुत ही कम केस में देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि हम इसके बाद में यदि हम बात करें इसकी डोज के बारे में, क्या डोज में एडल्ट में क्या डोज में यह जो सिरप होता है पेशेंट को देना चाहिए, दोस्तों इसकी जो डोज होती है 10 ml TDS, दोस्तों आधा गिलास पानी में 10 ml डालने के बाद दिन में 3 बार यानी कि TDS सुबह दोपहर और शाम पेशेंट को देना चाहिए, उससे पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है, बहुत ही ज्यादा जल्दी आराम हो जाता है। ओनली एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगा, यदि आपको यह सभी समस्याएं हैं, यदि आपको पेशाब में जलन वगैरह इस तरह की कंडीशन है और आप अल्कलाइजर सिरप यानी कि अल्कासोल का आप यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके यूज करने के दौरान दोस्तों आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, इससे आपके जो बढ़े हुए इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वह यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि आपका अल्कासोल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है,
कोई क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं दोस्तों, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।